आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं निदा खान, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दमन द्वीप की एक कंपनी राधा माधव कारपोरेशन लिमिटेड RMCL ने बैंकों को लगाया 305 करोड़ का चूना। इस मामले में बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों की है मिलीभगत। 20 सालों से लगातार चल रहा है यह गोरख धंधा। दमन द्वीप प्रशासन, भारत सरकार, RBI, CBI, इनकम टैक्स विभाग, ED, DRI, इन सब को धता बताकर कंपनी करोड़ों का कर रही है खेल। हजारों निवेशक आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व CBI के पास भी कंपनी के कुछ निवेशकों ने कर रखी है, ताकि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसी हरकत इस कंपनी के मालिक अनिल अग्रवाल व उसका बेटा मितेश अग्रवाल न कर सके। हम स्क्रीन पर जिस अखबार की कटिंग आपको दिखा रहे हैं, वह दमन द्वीप से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित अखबार है। RMCL के इस घोटाले की खबर अखबार ने 19 जुलाई को प्रकाशित की थी। हम आपको बता दें कि इस कंपनी का संयुक्त प्रबंध निदेशक अभिषेक अनिल अग्रवाल धोखाधड़ी के मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, जिसे न्यूज लाइव ने 13 जून को दिखाया था। आइए दिखाते हैं उसकी एक झलक। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक बिजनेसमैन को 118 करोड़ के निर्यात धोखाधड़ी के मामले में मुंबई में गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह बिजनेसमैन राधा माधव कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी RMCL का संयुक्त प्रबंध निदेशक अभिषेक अनिल अग्रवाल है, जिसके पिता अनिल अग्रवाल कंपनी के अध्यक्ष हैं। निदेशालय ने तस्करी और सीमा शुल्क धोखाधड़ी इकाई की रोकथाम ने व्यापारी को 118 करोड़ में चल रहे एक निर्यात धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। इस कंपनी के परेशान निवेशक व नेटवर्कर पिछले महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जिनकी भी हम आपको एक दिखाते हैं झलक। ये जो हमने RMCL कंपनी, जो दमन बेस कंपनी है, जिसका मालिक मितेश अग्रवाल है, उसने देश की लाखों जनता को ठगा है और 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। तो लोग डरी हुई थी कि ये बहुत बड़ा साम्राज्य का बहुत बड़ा राक्षस है, भ्रष्टाचारी राक्षस है, बट इससे लड़ने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। तो सर, ना तो हमारे पैसे की क्या थी, हमारा पैसा जो मेहनत का पैसा था जो उसने खा लिया, हम उसके पास गुहार भी लगाए, जनता ने भी गुहार लगाई कि हमारा पैसा हमें दे दो या फिर हमारा प्रोडक्ट दे दो, ना तो उसने प्रोडक्ट दिया ना हमारे पैसे दिए। अमित कुमार गुप्ता, सर ये बताइए कंपनी है किस चीज़ की और ये किस लोग, कितने लोगों को कैसे ठगा गया? बेसिकली कंपनी का जो प्लेटफॉर्म था, जो हमें बताया गया था, वो था डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी समझ के ज्वाइन किया था, लेकिन समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई और लोगों के साथ जो पैसे का पैसा लगा उनका, उनके बदले प्रोडक्ट नहीं मिला। जो डायरेक्ट सेलिंग के बदले, काम करने के बदले कमीशन मिलता है, वो कमीशन रोक लिया गया है। 9-9 महीने से लोगों का कमीशन नहीं आ रहा, लोग काम किए जा रहे हैं, पैसा कंपनी के पास जनरेट हो रहा है, फंड आ रहा है, लेकिन लोगों का कमीशन नहीं मिल रहा है। लोगों का प्रोडक्ट 5-5 महीने, 6-6 महीने से पेंडिंग है, सब दुखी हैं। जो शॉपी वाले हैं वो भी, जो प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो भी, सब दुखी हैं। प्रोडक्ट एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने कहा प्रोडक्ट आ जाएगा, आप नए लोगों को अपने साथ एसोसिएट करते चले जाओ, उनका पैसा दिलवाते चले जाओ, हम प्रोडक्ट देंगे। ऐसे ऐसे करके 8-9 महीने बीत गए, अभी तक प्रोडक्ट इन्होंने दिया नहीं, GST पेड बिल काट दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा एक इंसान कैसे कर सकता है, GST पेड बिल काट के और प्रोडक्ट ना देना। तो अब समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं KK कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।